जोड़ो। मैं जैसा कहता हूं वैसा वैसा कहो। बोलो स्वामी श्री सच्चिदानंद सद्गुरु प्रियम श्री निखिलेश्वरानंद स्वामी मम सद्गुरुम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आपका बाया हाथ हृदय पर रखो, राइट हैंड सर पे रखो, मैं मंत्र बोल रहा हूँ। गुरु मंत्र की दीक्षा है, सभी लोग आ जाओ गुरु मंत्र दीक्षा लेने के लिए। मैं जैसा कहता हूँ वैसा बोलो। बोलो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम गुरुदेवताय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। अभी आपसे एक निवेदन है कि आप सब लोग यहीं बैठे बैठे गुरु मंत्र की एक माला करेंगे, एक महीना चैतन्य मंत्र की और एक माला गायत्री मंत्र की करेंगे। पहले मैं क्या कहता हूँ सुनो। आप सभी यहाँ आए हैं, मेरी इच्छा है कि आप खाली हाथ न जाएं, आपकी मनोकामनाएं सारी पूर्ण हो, आपकी इच्छाएं पूर्ण हो। तो मैंने एक दिन की, इन तीन दिनों में एक दिन की लघु लघु साधनाएं दी है जो बोर्ड पर लिखी हुई है, मनोकामना पूर्ति साधनाएं, जिसमें मैं आज भी मैं हो गुरुजी हो अंगूठी पहनते हैं तो इसका मतलब उसके पीछे कोई ना कोई होगा। तो ऐसे ही एक सुलेमान हकीक की अंगूठी मैंने आकस्मिक धन प्राप्ति के लिए, और जो अंगूठी पहनता है उसके हाथ में कभी धन कमी नहीं पड़ता, एक दिन के एक घंटे की साधना है। ऐसी मनोकामना पूर्ति साधना हो अपने जीवन में, धन प्राप्त होने या उद्योग नौकरी प्राप्त होने के लिए जो लोग करें, विवाह प्राप्ति के लिए, ऐसी मनोकामना पूर्ति के लिए मैंने चार छोटी छोटी साधनाएं लिखी है जो केवल एक घंटे में तीन दिनों में कर सकते हैं। आप पढ़ लेकर उसकी सामग्री अगर अंगूठी ला लेते हैं और पहन लेते हैं उस मंत्र को करते हुए, आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी और हाथ को यश होगा। हाथ में किसी प्रकार का अपने को किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, अपना हर जीवन में हर कार्य सिद्ध होगा। ऐसी मैंने चार बोर्ड पे चार साधनाएं लिखी रखी है। आपको जो भी साधनाएं करनी है, क्योंकि शाम से फिर हम 4 बजे सभी लोग यहाँ से कंदकुर जाएंगे, वहां से गुरुजी की शोभा यात्रा निकालते हुए यहाँ आएंगे, तो उस शोभा यात्रा के इस दौरान आप गुरु मंत्र जप करने के बाद आप चाहते हैं कि आपकी कोई इच्छा पूर्ण हो, मैं उनके लिए आपकी लघु साधनाएं, एक ही दिन की 1 घंटे 2 घंटे की साधनाएं हैं, उस साधनाओं को करने के बाद आप अगली गुरु पूर्णिमा तक बोलो कि आपके जीवन में मनोकामना पूर्ण हुई या नहीं। मैं ये गारंटी देता हूं, जब मैं अंगूठी पहनता हूं, जब गुरुजी अंगूठी पहनते हैं, तो आपको भी कह रहा हूं कि आपके जीवन में धन की कमी ना हो, आपकी कोई इच्छा अधूरी ना हो, 1 वर्ष में आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी। ऐसी साधनाएं, लघु साधनाएं, छोटी छोटी साधनाएं, मैंने 4 साधनाएं लिखी है। आज आपको समय है, 4 बजे तक आप उस साधनाओं को संपूर्ण कर सकते हैं। उसके बारे में जो भी सामग्री चाहिए यहाँ मिल जाएगी। छोटी एक अंगूठी है, एक आपको एक छोटा सा उदाहरण बोलता हूँ। श्री कृष्ण के साथ सुदामा अपने साथ बैठे हुए थे। सुदामा कभी भी कृष्ण के बारे में ही सोचा करते थे, कृष्ण खाना खाए या नहीं खाए, कृष्ण को वो मिला या मिला। कृष्ण कहते थे अरे तेरे को गुरुजी ने कहा है जो मैं साधना करता हूँ तू भी साधना कर ले, सुदामा को बार बार बोलते थे। और सुदामा थोड़ा लंगड़ के चलता था, उसलिए कृष्ण के साथ उतने स्पीड के साथ नहीं चल सकता था।
और वो कहता था कभी भी साधना के बारे में दिल में नहीं रखता था। कृष्ण अपने गुरु की कही हुई हर साधना, इसलिए हम देखते हैं कृष्ण के गले में कौस्तुभ मणि है, कृष्ण ने साधना की, कृष्ण योगेश्वर बने, कृष्ण ने गुरु को गुरु दक्षिणा गुरु की इच्छा अनुसार दी, इसलिए वो योगेश्वर बने, महान सुखी बने, 16,000 गोपिकाओं के पति बने, अष्टभार्याओं के पति बने और राज्य का सुख भोगकर दुष्टों का नाश करने की शक्ति अपने पास रखे, इसलिए कि उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा मानी थी। लेकिन सुदामा जो थे कभी भी कृष्ण की तरफ देखते थे, खाए या नहीं खाए, जाए या नहीं जाए, साधना के ऊपर दृष्टि नहीं दिए। आपने देखा है सुदामा के बारे में, सुना है उनके पिता का देहांत होने के बाद उनकी शादी और वो बीच में ही गुरु को छोड़कर अपने गांव चले गए, उनकी शादी हुई, उनको 8 बच्चे हुए और उन्होंने अपना जीवन दरिद्रता के तांडव में निकाला। दरिद्रता उनके पीछे खड़ी थी, आप सब लोग जानते हैं कितने दरिद्र थे उनके पैर, उनको खाना खाने के लिए भी तरस था वहाँ, लेकिन कभी भी कृष्ण कृष्ण कहा करते थे। तो उनके पत्नी ने कहा इतना कृष्ण कृष्ण कहते हो, आज खाने को बच्चों को स्कूल भेजने के लिए फीस नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है घर में, इतनी दरिद्रता तांडव कर रही है, क्यों उस कृष्ण को जाकर पूछते नहीं, कुछ ना कुछ अगर पैसे लोन देता है कुछ तो भी देता है तो लेके आ जाओ ना, आप उस कृष्ण के लिए उतनी श्रेष्ठता के साथ भक्ति करते हो, ऐसा उनके पत्नी ने कहा। मजबूर होकर सुदामा का ये दिल था कि मैं कृष्ण को कभी मांगने नहीं जाऊंगा, मैं किसी को नहीं मांगूंगा, केवल कृष्ण मंत्र का जप करूंगा, ऐसा ही था। लेकिन उनकी भक्ति कृष्ण के प्रति जितनी निष्ठा थी, जितना प्रेम था, वो राधा जितनी प्रेम करती उससे भी ज़्यादा प्रेम सुदामा कृष्ण से प्रेम किया करते थे। लेकिन पत्नी के मजबूरी के कारण, उस दरिद्रता के कारण उन्होंने उनको कृष्ण के पास जाना पड़ा। जब वो कृष्ण के पास अपने गाँव से पाँव को छाले पड़े निकलते हुए जा रहे थे तो बीच में उनके गुरु का गांव पड़ता था। उनके गुरु के गांव को देखिए, तब तक उनके गुरु नहीं थे और उन्होंने उस गुरु के अपने आश्रम को नमस्कार किया तो वहाँ एक साधु था, उसने पूछा कहाँ जा रहे हो, बोले क्या कथा सुनाऊँ यार, घर में दरिद्रता का तांडव है, घर में दरिद्रता है और मेरी पत्नी कहती है कि इतने सिर्फ दरिद्रता से जीते हो, कुछ काम नहीं करते हो, पैसा नहीं आता है तुम्हारे पास, तुम कुछ क्यों नहीं करते। तो उसने कहा कि अभी अभी हम गुरु से निकले हैं, इसमें कोई खर्चे की बात नहीं है, क्या करना है कि तुम्हें यहाँ गुरु के आश्रम में सेमल का वृक्ष है उसके 100 एक छोटी छोटी लकड़ियाँ ले लो, उसके सामने एक छोटा सा मंत्र है, 100 बार बोलो, 1000 बार या 100 बार बोलो और उस आहुति एक एक मंत्र बोलते हुए घी में डुबो कर उस आहुति को डाल दो, तुम देखो तुम्हारे जीवन में 15 दिन में तुम महान भाग्यवान धनवान बन जाओगे। उसने कहा आज तक मैंने कभी साधना नहीं की, गुरु की बात नहीं मानी, मैं केवल कृष्ण कृष्ण करता रहा और गुरु को भी नहीं माना मैं, तो एक ऐसा होगा। तो बोले तू एक बार करके तो देख। उन्होंने वहाँ से ही सेमल के वृक्ष तोड़े, जो मंत्र उन्होंने कहा सुदामा ने वो मंत्र किया और वहाँ कहने पर गुरु जी के उस आश्रम में ही आहुति डाली और आंखों से पानी निकालते हुए रोते हुए आगे बढ़ रहा था कि मथुरा जाएंगे और वो धीमे धीमे मथुरा के पास आया। और मथुरा के बाद आने के बाद आपको क्या हो सभी को पता है, फिर भी कहता हूँ, जब वे मथुरा के द्वार पर पहुँचे फटे हुई धोती थी, एकदम दीन अवस्था में थे और उन्होंने द्वारपाल को कहा मुझे कृष्ण से मिलना है। बोले क्या तू क्या ना राजा है महाराजा है भिखारी, बाहर रह जा, तुझे कृष्ण के पास नहीं जाना है। तो उन्होंने कहा आप अगर मानो तो मैं एक बात छोटी सी बोलता हूँ, क्या कि मैं कृष्ण का बाल सखा हूँ, बाल्य मित्र हूँ, मैं कृष्ण से मिलना चाहता हूँ, सिर्फ बोलो कि मैं आया हूँ। उसने कहा ऐसा कुछ नहीं, कृष्ण का बाल मित्र और ऐसा दरिद्र रहता है क्या, भिखारी रहता है, कृष्ण जिस गुरु के पास करे तुम भी उसी गुरु के पास हो, ऐसा भिखारी रहता है। तो उसने कहा मेरी कहानी क्या सुनाऊं, मैंने गुरु की बात नहीं मानी, नहीं मानकर मैं ऐसा जीवन जीता हूं, इसलिए मेरी स्थिति यह है। और कृष्ण ने गुरु की बात मानी और गुरु की बोली हुई हर साधना संपन्न की, गुरु को इच्छित दक्षिणा दी, इसलिए आज श्री कृष्ण उतने महान बने। मैंने गुरु को गुरु दक्षिणा भी नहीं दी और गुरु की बोली हुई साधनाएं भी नहीं करी, आज इसलिए मेरी स्थिति ऐसी है। तो उनको हकाल दे रहे थे, तभी इतने में एक बात क्या हुआ, कृष्ण को आवाज़ आई कि किसी को ढकेल दिया है और वो एकदम नीचे गिर गया है। तो एक सैनिक ने हंसते हुए जाकर कृष्ण से कहा प्रभु तुम्हें क्या बताएं, क्यों आज एक आश्चर्य की बात हो गई, क्या हुई। तो बोले एक फटा धोती फटा हुआ एक ब्राह्मण छोटा सा गरीब दीन अवस्था में वो आकर कहता था कि मैं कृष्ण का बाल्य मित्र हूँ, मैं यहाँ आया हूँ कृष्ण से मिलना चाहता हूँ, मैंने वो झूठ बोलता है बिल्कुल उसको हकाल दिया, उसको गेट पर से ही हकाल दिया। कृष्ण बोले क्या कहा, कौन था, उसका नाम क्या था। बोले कुछ सुदामा सुदामा नाम बता रहा था। कृष्ण नंगे पांव जैसे आसन पर बैठे थे वैसे भागते हुए गए और कहा कि क्या तूने ये क्या काम किया। सैनिक डर गया,
कि कृष्ण उस दरिद्र ब्राह्मण के लिए भाग रहे हैं। भागते हुए जब वो कृष्ण सुदामा को देखने के लिए, सुदामा तब तक गिरा हुआ वैसा ही फटे धोती से जा रहा था, तो उसने कहा सुदामा सुदामा, चिल्लाते हुए गए और सुदामा ने देखा कि मेरा नाम लेकर कौन चिल्ला रहे हैं। उसने जब कृष्ण को देखा, कृष्ण के आंखों में आंसू थे, सुदामा के आंखों में आंसू थे। उतना महाराज, जिस सैनिक ने मुझे हकाल दिया, उस सैनिक के छोड़कर एक महाराजा बिना हाथ पाँव में चप्पल पहने मेरे साथ मेरे लिए भाग के आ रहा है। तो उन्होंने कृष्ण को देखा तो कृष्ण ने जोर से अपनी आलिंगन दिया और कहा सुदामा, ये कितने दिन हो गए, तो आज क्यों भूल के ऐसा जा रहा है और तेरी ये अवस्था क्या है? सुदामा के आंखों में आंसू थे, बोले मैं गुरु की साधनाएं बोली हुई मैंने नहीं की और कभी भी यही विचार करता रहा कि कृष्ण मेरा सखा है और मैं कृष्ण का नाम लेते हुए जी सकता हूँ। अगर मैं उस दिन गुरु की साधना गुरु की कही हुई बात मानता और गुरु की साधनाएं करता तो आज मेरी स्थिति नहीं थी। कृष्ण